नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। वीकेंड का हमारा ये प्राइम टाइम डिबेट शो स्पेशल शो होता है, आपको पता है, और ऐसे में आज हम बात करेंगे इंडिया और अमेरिका के भारत के दौरे की। इस दौरे में भारत और अमेरिका को इस 3 दिवसीय दौरे के दौरान भारत को क्या कुछ मिला, अमेरिका को क्या हासिल हुआ। अब ये चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि चर्चा का विषय क्यों है, तो चर्चा का विषय इसीलिए है क्योंकि ऐसा दौरा था जिस पर पूरे विश्व की नजर थी। अगर आप न्यूज से और खबरों से परिचित होते हैं और नजर रखते हैं खबरों पर, तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल में आपने देखा होगा, इन 3 दिनों में जो ग्लोबल मीडिया है, जो ग्लोबल अखबार है, उन्होंने लगातार इस दौरे को कवरेज किया और साथ ही नजर इन दोनों ही देशों के, दोनों ही महाशक्तियों के मिलन पर था। आपने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन जब अमेरिका पहुंचे योगा दिवस पर, पूरे विश्व को योग मंत्र उन्होंने दिया। दूसरे दिन उन्होंने देखा कैसे जो कार्यक्रम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके बाद फिर लंच से लेकर के डिनर तक का प्रोग्राम हुआ और ऐसे में इन 5 तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत महाशक्ति बनकर अब कैसे उभर रहा है। और दो जब बड़ी शक्तियां आपस में मिलती हैं तो जो एनर्जी क्रिएट होती है उसके बाद कुछ बड़ा ही होता है। हम आप बातचीत करेंगे कि आखिर इस दौरे से भारत और अमेरिका को क्या मिला है। लेकिन देखिए, तस्वीर एक पर नजर डालिए तो पहली तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, एलन मस्क से उनकी मुलाकात हुई थी। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब योगा करने के लिए वॉशिंगटन जो अमेरिका है वहां पर हेडक्वार्टर जो व्हाइट हाउस का है वहां पर पहुंचे, उन्होंने जब योग दिवस पर गांधी जी की मूर्ति को पुष्पांजलि दिया, पुष्प अर्पित किया था। तीसरी तस्वीर में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी उनकी मुलाकात है उसकी तस्वीर सामने आई। और इन चारों और पांचों ही तस्वीर को देखते हुए, 5 तस्वीर बायलेटरल थी, 5वीं तस्वीर जिसमें जो करार थे वो हुए और प्रधानमंत्री जब निकल रहे थे अमेरिका से मिश्र के लिए तब उन्हें टी शर्ट राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गिफ्ट की थी। और साथ ही बीच में 4थे नंबर की जो तस्वीर है वो भारत और अमेरिका के शक्ति, दोनों ही देशों की शक्तियों के मिलाप का प्रतीक है। और ऐसे में हम आपको बता के लगातार जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो दौरा है वो अपने आप में सराहनीय रहा, कई सवाल भी उठे और कई सवाल लोग पूछ रहे हैं कि ये जो अचानक हुआ है भारत के प्रति जो अमेरिका का रवैया बदला है और भारत अब लगातार जिस तरीके से सुपर पावर बनकर आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। प्रधानमंत्री ने कल अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के अमेरिकी वासियों को संबोधित किया। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। आप लोगों ने इस हॉल में एक प्रकार से भारत का फुल मैप बना दिया है। हिंदुस्तान के हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं। आप यहां दूर दूर से आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया उमड़ा है। आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से और चलिए इस आज चर्चा के विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के होंगे हमारे साथ, संजीत कुमार नेता कांग्रेस के हमारे साथ होंगे, कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद स्टूडियो में, संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद, स्वागत है आपका, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले क्योंकि इसको ज्यादा पॉलिटिकल हम ना रखें और तो सबसे पहले हम
आगे बढ़ेंगे और संजीत कुमार माफ कीजिएगा संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं विदेश मामलों के जानकार, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। संजीव श्रीवास्तव जी, कई अहम मुद्दे थे जिस पर हम लोगों ने लास्ट जब बातचीत की थी तो H1B वीजा का भी हमने जिक्र किया था। हालांकि अब H1B वीजा के साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिन पर भारत और अमेरिका के बीच मुहर लग गई है और साथ ही जैसे कि स्ट्रैटेजिकली ग्लोबली और हम अगर डिफेंस में भी कहें उस तरफ भी नए एम्बेसीज के लिए भी दरवाजे खुले हैं, इन्वेस्टमेंट खासकर अब बहुत ज्यादा भारत प्रधानमंत्री के जाने के बाद भारत को एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी की तरह प्रेजेंट करके इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए लेकर क्या ना, ये बड़ी बात है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा रहा, ये एक बेहद ऐतिहासिक दौरा है और इसके काफ़ी बड़े मायने निकल कर सामने आए हैं। खासकर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा भारत और अमेरिका के बीच में जो हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोलाबरेशन होने जा रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन जो गहरा होने जा रहा है। अमेरिका अब भारत को हाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने पर भी सहमत हो गया है, ये इस विजिट का सबसे महत्वपूर्ण आउटकम कहा जा सकता है और ये इस बात को भी दर्शाता है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो पहले से ही हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित थी, अब इसमें एक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट भी पैदा हो गया है। अमेरिका और भारत के संबंधों के बारे में कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते थे कि अमेरिका के ऊपर भारत कितना रिलाई कर सकता है, अमेरिका के ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है वगैरह वगैरह, कुछ ऐसी आलोचनाएं की जाती थी। लेकिन अब इन आलोचनाओं पर अमेरिका ने विराम लगा दिया है। अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी को, जो कि उसने इस तरीके की बेहद जो है सोफिस्टिकेटेड, बेहद जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी जो उसने अपने R&D के माध्यम से डेवलप की हैं, अब उसे भारत को देना, ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट है, जो विश्वास का संबंध भी स्थापित हो गया है। साथ ही साथ आपने जो जिक्र किया, जो वीज़ा रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं वो भी अब किए जा रहे हैं। भारत ने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अब उन्हें अपने वीज़ा के रिन्यूअल के लिए बाहर के देशों में नहीं जाना पड़ेगा, वीज़ा का रिन्यूअल उस देश अमेरिका में रह करके ही होगा और इसके लिए अमेरिका और भारत दोनों सहमत हो गए हैं। ये भी एक बड़ी जो है बड़ा कदम उठाया गया है। साथ ही साथ भारत में और अमेरिका में नए जो कॉन्सुलेट्स को खोलने का जो निर्णय है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच का जो इंटरेक्शन है, जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है, एक दूसरे के यहाँ जा करके कार्य करने का और वहाँ पर अनेक तरीके के अपने एंगेजमेंट्स को करने की जो उनकी भावना है, वो लगातार गहरी हो रही है और ये इस बात को दर्शाता है कि भारत और अमेरिका के लोकतांत्रिक समाजों का भी जो है मिलन हो रहा है। सरकारें तो अपना इंटरेक्शन कर ही रही हैं। संजीत कुमार जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा जो नया भारत हमारे सामने है, उन्होंने कहा सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने यह आत्मविश्वास हमसे छीन लिया था, आज जो नया भारत हमारे सामने है उसमें आत्मविश्वास लौट आया है, वो भारत है जिसे अपना रास्ता पता है, दिशा पता है, अपने निर्णय संकल्पों पर कोई कंफ्यूजन इस नए भारत को नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो विदेश आज जो भारत प्रधानमंत्री जी की जो अमेरिका यात्रा है और उनके ऊपर ये टिप्पणी, उनका ये कहना कि आज आत्मविश्वास खो दिया था, मैं समझता हूं वो गाली है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने बिल क्लिंटन का स्वागत किया था परमाणु विस्फोट के बाद। शायद आज भूल गए वो दिन जहां राजस्थान में बिल क्लिंटन को ले जाकर के उन्होंने और उनका स्वागत किया था, हिलेरी क्लिंटन का स्वागत किया था बिल क्लिंटन जी की पत्नी के रूप में, और उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने ओबामा और उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर बुश का स्वागत किया था मनमोहन सिंह जी ने। तो मैं समझता हूं कि शायद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते जो उन्होंने गलत रिमार्क्स किया है कि आत्मविश्वास लौटा है, शायद माननीय मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से, प्रधानमंत्री होने के नाते तो जानकारी रहनी चाहिए, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि शायद उनको इस बात का, शायद मुझे लगता है नॉलेज का अभाव है कि वो कह रहे हैं कि आत्मविश्वास का अभाव है। ठीक है, नए भारत, आत्मविश्वास, इन सब की बातें हो गई है। अब हमारे साथ बीजेपी के भी नेता है, हमारे साथ तमाम जो पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी हैं।
कई सारी बातें धनंजय गिरी जी, ऐसे में इस पूरे 4 दिवसीय दौरे को बीजेपी कैसे सेलिब्रेट करती है, क्योंकि 9 साल का कार्यकाल, दूसरी तरफ ये 3 दिनों का दौरा अमेरिका में, और कई सवाल, कई चीजें भारत को मिली है ग्लोबली। अब इसमें संजीव कुमार जी कुछ कह रहे, जल्दी से बोलिए। जी जी, मेरा ये कहना है कि मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ना हो तो बेहतर हो, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। माननीय मोदी जी अमेरिका गए तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, तो मैं समझता हूँ बीजेपी को सेलिब्रेट नहीं, इस देश को अगर कुछ सेलिब्रेशन की बात आएगी तो इस देश के हर नागरिक को सेलिब्रेशन करने का मौका मिलना चाहिए। धनंजय, मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी कि ये कहना कि बीजेपी किस प्रकार सेलिब्रेट करेगी इस चीज। धनंजय गिरी जी ठीक कह रहे हैं। प्रीति जी ऐसा है ना, प्रीति जी ऐसा है ना कि सच में कांग्रेस को अगर ये बात बिल्कुल तस्दीक कर रही है इस बात की कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो मोदी जी वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री हैं, और भारत के प्रधानमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर हम सबों को एक सुर में और एक स्वर में होना चाहिए। मैं इस बात की भी इंडोर्स करता हूँ, ये सही बात है। लेकिन आपने जो अपने टीवी चैनलों पर भी दिखाया, जो लगातार आप तस्वीरें दिखा रही थी, नाटू नाटू के बाद जिस तरह से मोदी मोदी बाइडेन की इलाके में जिस तरह से मोदी मोदी की गूंज अनुगूंज आप दिखा रहे थे, तो बदला हुआ यह तस्वीर और तकदीर यूं ही नहीं चमकदार बना है। जब शिखर पर मोदी जी जैसा शिल्पकार बैठा हुआ हो तो ऐसा परिणाम आना लाजमी है। ग्लोबल दुनिया में इंडिया केवल लोकल नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। भारत दिशा और दशा तय है, दुनिया में कहां जाना है और क्या करना है ये सब तय है। मोदी जी की जो इस अमेरिका यात्रा होगी, अगर उसको एक टर्म में व्यक्त किया जाए तो वो कहा जाएगा ऑलवेज वेलकम इन अमेरिका। ऐसा अभिभूत कर देने वाली स्थिति जो देखने में आई, 3 दिनों के अमेरिका यात्रा, 4th दिन के भारतीय में मोदी मैं था, योग का अंतर्राष्ट्रीय मंचन की बात कर लें या ग्लोबल बात, भारत की नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की उन्होंने बात की। मोदी जी ने केवल भारत की बात नहीं उठाई, अन्य लोगों की भी चर्चा की, महत्वपूर्ण सामरिक बात की, निज की जगह समृष्टि को उसके पर दृष्टि रखने का उनको अंत्यतम बना देता है। भारत की सर्वभौम तो सुखिना की नीति को उन्होंने सामने रखा। सामरिक क्षेत्र में भारत के जेट तकनीक का जो प्रादर्पण हुआ, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आज के डेट में हो रही है, जो वहां के फाइटर कंपनी यहां पर बनाना चाह रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का उत्पादन करके हमारे देश में इंटरनेशनल सप्लाई चेन में बढ़ता तालमेल, दोनों देशों के बीच एक मजबूत संबंधों की भी नींव रख रहा है। अमेरिकी सरकार ने कहा है कि 100 से ज्यादा जो एंटिक मूर्तियां और जो चीजें गई हैं उसको भी वो लौटा रहे हैं, कुछ सही रास्ते से गई होंगी, कुछ गलत रास्ते से गई होंगी। तो मोदी जी आज कहीं जाते हैं तो एक दाता की तरह है। ये वो कहते भी हैं कि जो मोदी की ताकत नहीं है, 140 करोड़ भारतीय की ताकत है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर है जो दुनिया को दिख रही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए भारत और चमकते हुए भारत की, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है, भारत की संभावनाओं का विकास है, भारत की जो आईटी के वजह से जिस तरह से विकास किया है हर क्षेत्र में, जो इंडिया ग्लोबली थिंक लोकली और एक ग्लोबली की जो कंसेप्ट मोदी जी ने दिया है, इसका इस सवाल का जवाब हम लेंगे हमारे साथ और नेता जो है कांग्रेस के। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के कार्यकाल में भारत चमकता हुआ भारत है, जहां भी मोदी जी जा रहे हैं वहां मोदी जी की और भारत की धमक हो, इसका सवाल का जवाब मैं लूंगी। हमारे साथ कैप्टन श्याम कुमार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ है। फाइटर जेट्स के इंजन को बनने के लिए भारत को चुना गया है, अमेरिका ने भारत को चुना है, अब उस इंजन की बनावट और उसको डेवलप भारत में किया जाएगा, इसे आप कैसे देखते हैं? और धन्यवाद। देखिए, फाइटर इंजन्स की जरूरत भारत को बहुत पहले से है, और इतने सालों के इतिहास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस जहाज का निर्माण किया, पर अभी भी जो GE-404 इंजन है वो अमेरिकन इंजन इसमें लगे हैं। तो जब हम इनकी आगे की बात करते हैं, और लगातार हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट में हमारा कॉस्ट जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जाता है, तो अगर हम इनका निर्माण भारत में कर सकें और 70% अगर हमारी जो इसमें इंडिजिनस इक्विपमेंट लगे हैं, तो इंजन भी अगर जब लगेगा, और ये इंजन जो है वो भी एडवांस्ड इंजन GE-414 लगेगा, तो इसकी खपत इंजन की कम, शोर कम, इंडोरेंस ज्यादा, ज्यादा वेपन कैरिंग कैपेसिटी, और 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हम इंडिया में क्रोट प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो अगले कुछ दशक में या अलग ये 10 साल में हम किसी बाहर के फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने की जरूरत नहीं होगी। नौसेना और वायुसेना दोनों को इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है, और आज हम जो तेजस के मार्क 2 और
जो डबल इंजन की वर्जन की बात कर रहे हैं, तो अब हम राफेल की बात कर रहे हैं फिर से नौसेना के लिए, तो इन सबों का खात्मा हो जाएगा और हम भारत में एक फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान बना पाएंगे। तो एक बड़ा कदम है, देखिए ये सतत प्रयास है, बहुत दिनों से चल रहा है और इसमें एक नया स्टेप, एक नई माइलस्टोन मिली है, तो एक डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ जो रिपर ड्रोन्स की जो बात कर रहे हैं, स्पाई प्लेन जो अनमैंड एयरक्राफ्ट है, जो रिपर ड्रोन्स, नौसेना की बात करें, मैं नेवी से बिलोंग करता हूं, तो रिपर ड्रोन्स की लीज पे नौसेना ने पहल की थी और आज के दिन में आईएनएस रजाली अर्कोनम जो चेन्नई के पास अवस्थित है वहां पे ये दो ड्रोन्स लगातार डेढ़ साल से हमारी समुद्री सीमाओं की और उत्तर पश्चिम और उत्तर सीमाओं की लगातार सर्वेलेंस कर रहे हैं। जनरल एटॉमिक्स के लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं और हमने पूरी तरह से एक्सपीरियंस ले लिया है। आज हम 15 विमान नेवी के लिए और 8 विमान, टोटल 31 विमान जो यूएवी है हम वहां से खरीदने का समझौता कर चुके हैं। मैं एक सवाल अब इसमें ये जुड़ता है कि आपने अपनी चीजें कही हैं, लेकिन अब भारत में इंजन बनेगा, ये जो फाइटर जेट्स हैं उसकी, अब आसपास जितने पड़ोसी हमारे नेबर कंट्रीज है, चाहे वो चीन हो या फिर और भी दूसरे देश हो या फिर हम रशिया, जहां से सबसे ज्यादा हम अपना जो इस तरह की जो हमारे वेपन्स हैं वो हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, क्या इसके आप राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक तमाम जो देश हैं उनसे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? बहुत ही सटीक आपका ये प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत ही जरूरी है समझना। आज के दिन में दो डेमोक्रेसीज और ऑटोक्रेसीज, जैसे हम बिना डिक लिए हुए उन्होंने अपनी एडवर्सरीज की बात की है, ऑटोक्रेसी वर्सेस डेमोक्रेसी, और दो बड़े डेमोक्रेसीज का समूह। और आज हम अगर चाइना की प्रेजेंस हमारे इंडो पैसिफिक रीजन में देखें तो क्वाड के रूप में अमेरिका और इंडिया का नजदीक आना, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ और दूसरे कंट्रीज को भी मिलना, एक बड़ी चुनौती बन रहा है चाइना के लिए, और पाकिस्तान से उनकी दूरी बनना एक नया रीजनल और वर्ल्ड ऑर्डर देता है जो सामरिक दृष्टि से सभी के लिए बहुत ही एक नया एंगल है, और रशिया को भी इससे अपनी जगह मिल रही है और उन्होंने रशिया का भी जिक्र किया है और उसी तरह से हमारे साथ संजय राणा भी है, राजनीतिक विचारक हमारे साथ। 2024 का चुनाव भी है अगले साल और इस साल विधानसभा चुनाव भी है और ये जो 3 दिवसीय दौरा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर गए हैं, इसको कैसे रिलेट करके देख पाते हैं? गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। जब हम बात करते हैं कि किस एरा में है, तो हम लोग एआई के एरा में, अमेरिका और इंडिया के एरा में है, तो जो कोलैबोरेशन हुआ है ये एक नया माइलस्टोन सेट होता है। मैं बताता हूँ कैसे माइलस्टोन सेट हो रहा है। 2012 और 13 में ऐसे ही जी की डील करने की कोशिश की गई थी पूर्व सरकारों द्वारा, जिसमें यूएस की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। तो ये ऐतिहासिक क्षण है जी के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूं मैं। अगर जी अगर इंजन देता है तो हमारे जो तेजस है 4th जेन का जेट, फाइटर जेट है, उसमें 4.5 हो जाएगा, 2.0 सीरीज का फाइटर जेट हो जाएगा, जो हम इजिप्ट को सप्लाई कर रहे हैं, मलेशिया को सप्लाई करेंगे और फिलीपींस से हमारी बात चल रही है। तो यानी पहले जो क्या होता था, हम लोग इंपोर्टर थे और एक्सपोर्टर थे ब्रेन के, हम इंपोर्टर तो भी आज भी हैं, एक्सपोर्टर प्रोडक्ट के भी हो जाएंगे, एक्सपोर्टर ब्रेन तो थे ही, अब प्रोडक्ट के भी एक्सपोर्टर हो रहे हैं। तो इस सामायिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने इजिप्ट की बात की, देखिए इजिप्ट एक जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है और ये स्विस कैनाल जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी आयात निर्यात के लिए, सी मार्ग के लिए, तो स्विस कैनाल में डिस्कशन होगा, उसमें स्पेस की चीजें दी आएंगी। दूसरी बात है कि अभी जो ट्रेड होता है हमारा इजिप्ट के साथ तकरीबन $7 बिलियन 75 साल में हो रहा है, अभी तक सोचिए $7 बिलियन कितना कम होता है, तो ये बढ़ाया जा सकता है। 24 लोकसभा, क्योंकि अमेरिका में भी चुनाव है। देखिए चुनाव से इसका अलग, चुनाव अलग होते हैं और देश के जो टाइप्स होते हैं, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं वो अलग होते हैं। अगर इसको, अगर ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो सेमीकंडक्टर के हो चाहे जी के हो, इससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जब इन्वेस्टमेंट आता है रोजगार बढ़ता है, रोजगार से तो चीजों का अच्छा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा और जो सरकार करती है चुनाव की दृष्टि से, हमें लगता है मोदी जी को ऐसा काम करते हैं, चुनाव एक काम है जिनको लड़ना उनका अधिकार है, लेकिन जिस पद पे आज बैठे हुए हैं उस पद का निर्वाह करना भी उनका दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए वो विदेश में गए अपना काम कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं संजीव जी, कांग्रेस के नेता। हाँ बोलिए संजीव जी। जी जी मैं प्रीति जी ये कहना चाहता हूँ कि इस डिस्कशंस को थोड़ा सा
जी थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, कर दीजिए आप। श्रीवास्तव जी ने क्वेश्चन किया कि बोर्ड ऑफ ट्रस्ट, मैं आपके माध्यम से ये कहना जी, तो उन्होंने कहा कि बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट, तो बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट अमेरिका का बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट अपने सेल्फ इंटरेस्ट में होता है, बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट वह नहीं जानता है। उसके डिक्शनरी में ही बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अगर ट्रस्ट की बात होती तो मैं संजीव श्रीवास्तव जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले खारी युद्ध के बाद पाकिस्तान ने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को उन्होंने जिंदा किया, हथियार दिए, आतंकवादी तैयार किया और अफगानिस्तान में वो गए रशिया के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अफगानिस्तान किस स्थिति में खड़ा है और किस स्थिति में वो छोड़ करके वो चले गए थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपको और आगाह करना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को कि आप कृपया करके गलबैया और झपकी मार करके ऐसा न सोचें कि अमेरिका आपके साथ आकर के खड़ा हो। लेकिन अमेरिका केवल और केवल अपने साथ खड़ा देना चाहता हूं। उदाहरण के लिए आज नेटो का नॉट रिप्रेजेंटेटिव सदस्य होते हुए भी उसने यूक्रेन की क्या हालत करवा दी आज विश्व जानता है, और आज विश्व केवल तमाशा देख रहा है यूक्रेन और रशिया के युद्ध का। कोई हालत और कोई केवल अमेरिका और यूरोप, आज अमेरिका और यूरोप केवल अपने हथियार बेच रहे हैं यूक्रेन को और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अमेरिका केवल अपना बिजनेस जानता है और उसके लिए बॉर्डर क्रॉस नाम की कोई चीज नहीं होती है। बहुत सटीक सवाल पूछा संजीव जी ने। संजीव जी आपको जवाब दे, उसके बाद संजीव जी के 40 सेकंड में अपना जवाब दे। देखिए ऐसा होता है, बहुत 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 सटीक सवाल। नहीं बहुत सटीक सवाल। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका पे अगर भरोसा कर रहे थे कि हम इसको एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं, ऐसा अमेरिका जिसने जब भी जरूरत पड़ी है भारत को एक स्टेप पीछे गया है, ये इतिहास गवाह है। कोई भी देश, हाँ बिल्कुल जवाब, कोई भी देश अपना हित पहले देखता, आपका हित बाद में देखता है, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत। हमेशा याद रखिए आपका हित पहले सेट होना चाहिए। जहां तक बात कर रहे थे यूक्रेन का और सप्लाई ऑफ आर्म्स की, 32% आर्म्स सप्लाई वर्ल्ड ग्लोबली करता है अमेरिका, वो अपना हित देख रहा। आपको भी अपना हित साबित करना। देखिए अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, आज चाइना की इकोनॉमी दो चीज पे है, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैन्युफैक्चरिंग आती है तो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है। आप सोच रहे हैं कि यूएस आपके लिए खड़ा होकर के बंदूक लेके चाइना से लड़ेगा? कतई नहीं लड़ेगा। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको स्वावलंबी बनना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, तब आप काम कर सकते हैं। देखिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव जी ने जो सवाल मुझसे किया है उसका मैं जवाब इस तरह से दूंगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, जो ये रणनीतिक संबंध है, ये सिर्फ दो सरकारों के बीच के ही संबंध नहीं है, बल्कि ये दो लोकतांत्रिक समाजों के बीच के संबंध है, दो विश्व के महान लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के ये जो की जो साझेदारी है, ये न सिर्फ हमारे भारत और अमेरिका के लोगों के लिए लाभकारी है, हितकारी है, कल्याणकारी है, बल्कि ये पूरी 21वीं शताब्दी के भविष्य को तय करने जा रही है। अभी मैं यहाँ पे जरूर उनको मैं इस बात को रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जो न्यूक्लियर डील हुई थी उसको कांग्रेस की जो सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने अपने पूरे प्रयास के साथ इसको किया था और उन्होंने भी भारत और अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी। और यही कार्य चाहे अमेरिका में अगर आप देखें तो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो, एक भारत अमेरिका के संबंधों को एक बाईपार्टीजान सपोर्ट है। ठीक है, भारत में भी अगर ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में, माफ कीजिएगा हमारा प्राइम टाइम वीकेंड का डिबेट शो, और तमाम लोग हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अब इंडिया का सवाल देखिए आप लोग इतना पसंद करते हैं, देखते हैं और मैं हर रोज करती हूं तो मेरे जबान पे इंडिया का सवाल है। हालांकि चलिए आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के नेता संजीत जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से संजीत जी, उसके बाद फिर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे एक सवाल है, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत केवल नरेंद्र मोदी जी का नहीं किया है। इससे पूर्व भी डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी एवं तमाम वरिष्ठ जो हमारे विगत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनका स्वागत किया है और स्टेट गेस्ट बने हैं। 2008 में तो स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टेट गेस्ट थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको, बेसिकली आज हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके भारत अमेरिका संबंध और अमेरिका का भारत के प्रति जो ये उदारता है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करने की आवश्यकता है। आज इस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर
जो भारत की स्थिति है वह सिर्फ और सिर्फ चाइना के मुकाबले वह भारत को खड़ा करना चाहता है। लेकिन मेरा सिर्फ यहां अंदेशा यह इस बात का है कि जो यूरोप और यूक्रेन के साथ रूस की लड़ाई के बीच में अमेरिका केवल और केवल अपना हित देखने का प्रयास जो कर रहा है और भारत की जो मार्केट है, जो मिडिल इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को देखना चाहता है अमेरिका। और मात्र तीन कारण है, एक चाइना के सामने भारत को वह खड़ा करना चाहता है, नंबर वन। नंबर टू, भारत की बढ़ती इकोनॉमी जो 6.5 है इसके ऊपर उसकी नजर है और भारत के मार्केट के ऊपर नजर है। लेकिन मैं ये आपसे एक अंदेशा ये जाहिर करना चाहता हूं कि भारत के अंदर अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां आई, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई जिससे भारत का फायदा हो। भारत के अंदर अमेरिका की कंपनी आई अमेज़न, कंपनी आई वो अन्य ऐसे कंपनियां जो हमारे लिए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में हमारे लिए सुख सुविधा लेकर आए, लेकिन हमारी जिंदगी में उसका कोई ज्यादा खास असर नहीं हुआ। आज यहां के रिटेल सेक्टर में जो उनके आने के कारण आज हमारी परेशानी बढ़ी है, घटी नहीं है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो मार्केट का इशू है, मार्केट का इशू, इस इशू के मामले में अमेरिका का जो रवैया है वो सेल्फ इंटरेस्ट है, ना कि इंडिया के प्रति इंटरेस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के यूक्रेन वाली हालत भारत का ना हो, ऐसा मेरा अंदेशा है। क्योंकि अमेरिका केवल और केवल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में ही काम करता है, उसके लिए कोई और इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, हमारे साथ डिफेंस के एक्सपर्ट भी हैं और संजीव जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अभी जैसा कि संजीव जी ने पूछा है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी अमेरिका की अपनी नीति है, रीति, अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा है और साथ ही चाइना के विरोध में इंडिया को खड़ा करना चाहता है वो, इसीलिए भी भारत को जिस तरीके से वो सराह रहा है, अपने यहाँ बुला रहा है, ये बहुत बड़ी वजह है। और लेकिन अब यहाँ सवाल ये है, वो पूछ रहे हैं कि कहीं भारत की स्थिति आगे जा करके, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से आवभगत में भारत के लगा है, कहीं वो यूक्रेन ना बना दे भारत को, क्या कहेंगे इस? मैं पहले इस पर रिएक्ट करना चाहूंगा। देखिए, स्वावलंबी भारत की दिशा की बात हो रही है, जब हम ये कह रहे हैं कि हम इंपोर्टर न बने, हम एक्सपोर्टर बने, तो जब हम इंपोर्टर न बने, एक्सपोर्टर न बने, तो ये अपने आप जो प्रश्न है ये यहीं रुक जाता है कि हम कैसे उनके अधीन जा रहे हैं या वो हमारे ऊपर कैसे काबू कर रहे हैं। वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा होने की जहां तक बात है, ये हमारी अपनी जरूरत है। आज जो चाइना कर रहा है हमारे उत्तरी सीमाओं पर, या हमारे को उसने इंडियन ओशन में जो उसकी दखलअंदाजी और स्पाइंग और सर्वेलेंस बढ़ती जा रही है, अगर हम यूनिलैटरली इसको डील नहीं कर पाते तो हमें मल्टीलैटरली डील करना ही पड़ेगा। क्या एक सवाल अब यहाँ ये है कि क्या हमें, मैं अमेरिका को हटा देती हूँ, क्या इंडिया को, क्या भारत को चीन को साधने के लिए अमेरिका की जरूरत है? जरूरत हर किसी की है, इसलिए कि हमें आज का इतना बड़ा अरबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, इतना बड़ा एरिया, और इसके साथ साथ इंडो पैसिफिक, पैसिफिक रीजन में भी जो उसकी दखल, वहां से भी हमारे को कल्चरली इंटीग्रेशन है, हमारी जरूरत है वहां भी, वहां से भी मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट्स की जो अफ्रीका कंट्रीज पे उसका जो लगातार, श्रीलंका। एक बार पार्टी की तरफ से जवाब ले लेते हैं, हमारे प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, जो कांग्रेस के नेता संजीत कुमार जी, वो कह रहे हैं कि चाइना के विरुद्ध उन्हें एक ऐसा पावरफुल देश चाहिए साउथ ईस्ट एशिया में, और वो भारत है, और इसीलिए भारत को अमेरिका उस देश के तौर पर देखता है जिसे चाइना के विरुद्ध स्ट्रॉन्गली खड़ा किया जा सकता है, क्या कहेंगे इस पर? इसीलिए अमेरिका इतना मेहरबान है इस वक्त, क्योंकि उसकी जरूरत भारत है चाइना को लेकर, क्या कहेंगे? प्रीति जी, आज भारत की ताकत बढ़ी है, आज भारत की ग्लोबल एक्सेप्टेंस बढ़ी है। चाइना तो कल भी था, कोई चाइना नया आके तो नहीं बच गया है हमारे बगल में, चाइना शुरू से था, चाइना आगे भी रहेगा हमारे साथ, क्योंकि हम मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते हैं, ऐसा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, और ये साथ पर सकते हैं। एक सिचुएशन होती है जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय। भारत उस पोजिशन पर आ चुका है कि अन्य मुल्कों के महाबलियों से आदरणीय नरेंद्र मोदी बराबरी की बात कर, वैसे में विन विन सिचुएशन की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जब बात हो रही है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, हमारे यहाँ चीजें बनने की बात हो रही है,
पहले वो सामान देते थे और नट बोल्ट तक उनके यहां से मंगाना पड़ता था, हम एक्सपोर्ट में जीरो थे। हम टेक्नोलॉजी सिर्फ आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजों को बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी आज एक तरफ सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहते हैं, अमेरिकी कंपनी लैब रिसर्च भारत में 6000 इंजीनियर को ट्रेनिंग देगी जिससे जुड़े हुए वर्कफोर्स तैयार होगा। इसके अलावा अप्लाइड मटेरियल को लेकर के सेमीकंडक्टर बनाने की सबसे बड़ी कंपनी भारत के लिए भी जरा विदेशों के बाजारों के दरवाजे खुले ना सर। सवाल तो ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है ये हम राजनीति से परे देखें लेकिन विदेश अपना बाजार खोले भारतीयों के लिए। धनंजय जी हम उसमें अपना अवसर तो देखें, हम उसमें क्या अवसर तलाश सकते हैं, हमारे यहाँ कितने रोजगार सृजन हो सकते हैं, हम कितना बाजार खड़ा कर सकते हैं। वो देश जो हमसे टेक्नोलॉजी खरीदना चाहते हैं, जो हमसे सामान खरीदना चाहते हैं, उनको हम कुछ नहीं दे पा रहे थे। उन तमाम कंट्रीज को आज हम सप्लाई कर रहे हैं, डिफेंस के सामान सप्लाई कर रहे हैं। हमें अपनी सिचुएशन को, अपनी जरूरतों को, अपनी प्रगति को खुद सुनिश्चित करना होगा। कोई हमें दाता बनकर थोड़ी देने आएगा, हम तो दादा के रूप में जा रहे हैं, पहले याचक के रूप में जाते हैं, फिर दादा के रूप में जाते हैं। तेरे दर पे आया हूँ, झोली भर कर लाया हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी का दुनिया में जो स्वागत हो रहा है वो खुद कर रहे हैं। 140 करोड़ हिंदुस्तान के बदले हुए भारत और बदले हुए भारतीयों की तस्वीर है। आज दुनिया में जिस तरह से भारत का डंका बज रहा है, जिस तरह से भारत ग्लोबली आगे बढ़ रहा है, जिस ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो भी डील्स हो रही है उसमें हमें अपना फायदा देख रहे हैं। नेचुरली वो अपना फायदा देख रहे हैं, अपना फायदा देख रहे हैं। ठीक है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर सामने वाला देश अपना फायदा देख रहा है तो भारत भी सेल्फ इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत अपने फायदे के साथ आगे बढ़ रहा है। संजय राणा जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि आप जब पूछ रहे थे कि भारत के लिए कौन सा मार्केट खुलेगा, लेकिन भारत के लिए जब मार्केट खुलेगा, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा मार्केट में बेचने के लिए, तो आपके पास जब प्रोडक्ट नहीं है आप कैसे बेचेंगे। दूसरे प्रश्न पे आता हूँ, आपको पता होगा जो यूएस हमारे पास कॉटन है, आप देखिए आप कॉटन कितना उत्पाद करती है बता दीजिए, कितने बिलियन डॉलर का आयात करती है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट बिलियन और ट्रिलियन में चलता है, आयात से नहीं होता। आयात एक रुपए से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आ रहा हूँ, आयात नहीं सर, निर्यात करने की बात। मैडम आयात और निर्यात जो आप बाहर भेजोगे उसको निर्यात कहते हैं, मंगाने वाले को आयात कहते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपकी यूएस की जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी ले लीजिए डिफेंस छोड़ करके, चाहे वो एयर स्पेस हो, चाहे होटल्स हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, कौन मैनेज कर रहा है आउटसोर्सिंग में? टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस, एससीएल, कॉग्निजेंट, ये मैनेज कर रहे हैं 70%। डेल्टा एयरवेज मैनेज बाय टीसीएस, आपको पता होना चाहिए, विप्रो मैनेज कर रहा है, तो आपको पूरी इंडस्ट्री मैनेज कर रही है। जब आप मार्केट की बात करते हैं तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। जब आप चाइना से कंपेयर करेंगे, चाइना 1978 में क्या था? कुछ नहीं था। आज उसकी इकोनॉमी किसके वजह से बनी है? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बनी है। और सेमीकंडक्टर जो आप जितने भी इंडस्ट्री यहां पे चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर के बगैर काम नहीं कर सकती, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो। और किसका वर्चस्व है? चाइना का। तो जो 10 टॉप कंपनी है, 6 उसमें से यूएस की है, वो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दूसरा मार्केट ढूंढ रही है जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा इंडिया। तो आपको दूसरे रूप में देखना पड़ेगा। आप बोलेंगे गेहूं बेच करके क्या हो जाएगा, हम निर्यात करते हैं, तो हम तो लोन में भी गेहूं लेते थे पहले, यही यूएस थे, हमें लोन में गेहूं देता था, आपको याद है 1961 में। तो आपको समझना पड़ेगा कहां से उठ के हम कहां पहुंच चुके हैं। संजीव जी, बाजार की अगर बात, ठीक है संजीव जी, बाजार की अगर हम बात करते हैं तो डिफेंस और टेक्नोलॉजी को छोड़कर अगर हम बाजार को खोलने की बात करते हैं तो हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट है जिसका उत्पादन भर भर के देश करता है और अभी तक ये शिकायत रही है कि उन्हें एक्सपोर्ट करने में वो रियायती टैक्स में नहीं मिली है, जिससे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भर भर के भेज सके बाहर अपना सामान, चाहे वो चीनी हो या फिर हमारा कॉटन हो, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि भारत के वर्तमान समय में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था है और भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत की जो बड़ी कंपनीज हैं, यहाँ पर मैं टाटा का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि जो उनकी कार मैन्युफैक्चरिंग जो बेसिस है वो यूरोप में है और अनेक ऐसी जो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने विदेशों में जा करके भारी निवेश किया है, उस राष्ट्र के निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी आप देखिए तो हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं
उन्होंने अमेरिका के जो संपन्नता में, अमेरिका की प्रगति में, अमेरिका की सुरक्षा में अपना पूरा योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कि भारत का जो योगदान है वो असाधारण है और जिसका कि अमेरिका सम्मान करता है। अमेरिका सिर्फ भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का ही सम्मान नहीं करता है, बल्कि भारत की जो सशक्त होती हुई अर्थव्यवस्था है, जो भारत का जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जो भारत की एक संतुलित विदेश नीति है, जो भारत की जो जिम्मेदारी भरी विदेश नीति है, विवेकपूर्ण विदेश नीति है, उसका आज अमेरिका सम्मान कर रहा है। और इसी वजह से मैं ये कहता हूं कि जो भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पे, साझा हितों पे, साझा अवसरों पे और साझा चुनौतियों पे आधारित है। यहाँ पर एक बात प्रीति जी मुझे समय दीजिएगा, मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो चाइना जैसे राष्ट्र से निर्धारित नहीं होती है। चाइना एक चुनौती है और भारत कभी भी किसी राष्ट्र का मोहरा नहीं बन सकता। अमेरिका यदि चाहेगा कि वो भारत को मोहरे के तौर पे इस्तेमाल करे, वो किसी के खिलाफ खड़ा करे, जैसा कि संजीव जी ने कहा है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भारत कभी भी किसी का मोहरा न बना है न बनेगा। हाँ, वो कह रहे हो यूक्रेन की तरह इस्तेमाल कर ले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। भारत की तुलना यूक्रेन से नहीं की जा सकती। भारत आज विश्व का सबसे, जैसे कि मैंने कहा, एक बेहद जिम्मेदार, संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण विदेश नीति को संचालित करने वाला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, बड़ी सामरिक महाशक्ति है, जिसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं, एक सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो इसको ये कहना और इस तरीके से सोचना कि भारत कभी यूक्रेन की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये किसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे मुझे ऐसा विश्वास है कि भारत की कभी भी कोई भी सरकार ऐसा नहीं होने देगी। हम अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को के आधार पर अपना कार्य करते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रीति जी, हम जब राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं, थोड़ा सा बीच में काउंटर करना चाहूँ। बोलिए 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 संजीव जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्री का जो अभी आज के इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध का जो लेसन मिला है, अमेरिका किस प्रकार यूरोप को आज महंगाई की मंदी में झोंक दिया है, वह आप समझ सकते हैं। तो मैं संजीव श्रीवास्तव जी से ये कहना चाहता हूँ कि जब यूरोप जैसी महाशक्ति भी आज उस झांसे में आ गई, वो तो साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं आएगी, ऐसा कहना मैं समझता हूँ जल्दीबाजी होगा। नंबर वन, वो साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो थोड़ा सा मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। जी थोड़ा सा ये हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। जब आप बात करते यूरोपियन कंट्रीज की, यूरोपियन कंट्रीज में महंगाई क्यों बढ़ी है, जर्मनी की प्रॉब्लम क्या है, पावर, पावर कहां से आता था, आज से आता था, रशिया देता था उसको गैस सप्लाई और ऑयल सप्लाई। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर हर कंट्री की एक अपनी स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसीज होती है। और जितनी यूरोपियन कंट्री, सर 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, अमेरिका जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे जर्मनी ले लें, स्पेन ले लें, चाहे इटली ले रहे, इनकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी अपनी नहीं थी, ऑलवेज दे डिपेंड अपॉन यूएस। आज भी आर्म्स एमिनेशन पे वो यूएस पे डिपेंड है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कार में हो सकती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस दे डिपेंड अपॉन यूएस। आज से नहीं, 40 साल से उठाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। ठीक है धनंजय गिरी जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी। चाहता हूं क्या इस यूक्रेन युद्ध के बाद, इस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की डिफेंस एक्सपोर्ट यूक्रेन से रिलेटेड बढ़ी है या घटी है? सर मैं आंसर दे दूं, सर वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है आर्म्स का 32% अमेरिका करता है, इसमें कुछ ही को बोलने की। देखिए मैं आपको यूक्रेन के युद्ध के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से संजीव जी बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन का जो युद्ध है ये महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। ये यूक्रेन जो है एक अखाड़े के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ के नेता एक मोहरों के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, और रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया वो इस प्रेटेक्स्ट पे किया, इस बहाने पर किया कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने जा रहा है। तो जाहिर है कि नेटो को आधार बना करके रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और नेटो और अमेरिका ने इसे अपने लिए एक चैलेंज के तौर पर लिया। और लेकिन ये प्रत्यक्ष लड़ाई लड़ नहीं सकते, क्योंकि यदि अमेरिका और रशिया यदि साथ में लड़ाई प्रत्यक्ष रूप से शुरू कर देंगे तो ये तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इसको हमारी यूक्रेन की रियलिटी है, उसको समझना। ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना की जाएगी, इसे कैसे देखते हैं आप? ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना, संस्कृति और दुनिया की सबसे प्राचीन तमिल भाषा का प्रभाव बढ़ाने में ह्यूस्टन का इस्तेमाल, यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में।
देखिए प्रीति जी, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर, जैसा मैंने पहले भी कहा, ये तो आगाज है, अंजाम देखते जाए। अभी जर्मनी में संस्कृत का कितना प्रसार हो रहा है, आज अमेरिका में नंबर टू पर कमला है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि हैं। तो इस तरह से भारत का प्रभाव, भारत जो विश्व लीडर जो नेतृत्व कर बनने की क्षमता में बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ दक्षिण भारत को साध लेने की कोशिश बीजेपी लगातार कई वर्षों से कर रही है। सर सवाल ये है, बीजेपी दक्षिण भारत को साधने की कोशिश लगातार कई वर्षों से कर रही है, क्या ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में तमिल स्टडीज चेयर की स्थापना मील का पत्थर साबित होगी बीजेपी के लिए दक्षिण भारत को साधने में? जवाब सर। देखिए हम लोग राष्ट्र को राष्ट्र के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्र में हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, क्षेत्रीयता का भी सम्मान होना चाहिए और सबके ऊपर राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयत्व का भाव है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित है, भारत माता के लिए समर्पण है। और ये तमिल बहुत पुरानी भाषा है, अगर इसकी स्टडी शुरू कराई जा रही है तो अच्छी अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और हमारे यहाँ तो हर क्षेत्रीय भाषाओं का आप देखिए उतनी समृद्ध भाषा है, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, जिसको भी उठा करके आप देखिएगा, उसमें इतनी समृद्धता है, इतनी विविधता है, इतनी सद्गुण। क्या साध लेंगे आप लोग दक्षिण भारत को, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा किला है जिसे साध नहीं पा रही है सर? क्या ये मील का पत्थर होगा? आज तो दुनिया सधी हुई है, तो भारत तो सधा हुआ है। जब अगर आप चुनाव के कंटेक्स्ट में बात करिएगा तो 14 में हम जितनी सीटें लाए 19 में उससे ज्यादा लाए हैं, 24 में उससे भी ज्यादा लाएंगे। साउथ में भी इस बार दक्षिण भाई में भी पूरा कमल खिलेगा, कमल कमल में रहेगा पूरा। ये आने वाले चुनाव की अगर आप दृष्टिकोण से बात करना चाहती है तो बिल्कुल सदा हुआ है, हमारे साथ खड़ा है भारत का कोना कोना, भारत का जनमन आज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और के साथ है, राष्ट्रवाद के साथ है, देश राष्ट्रवाद के रास्ते पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा। ठीक है संजय राणा जी, प्रधानमंत्री ने कहा है अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश अभी हो रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल सही कहा प्रधानमंत्री ने, अगर उनका इस बार का फाइनेंस का बजट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पोर्शन है तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया है। तो देखिए कोई भी चीज या कोई भी समाज या कोई भी देश की तरक्की तभी हो सकती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और हमें लगता है 10 लाख करोड़ रुपए कम है, इसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने चाहिए कि जितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा उसी हिसाब से चीजें देश की तरक्की उसी हिसाब से होती है। देखिए हमें जब आप तुलना करते हैं तो हमें चाइना से अगर तुलना कर रहे हैं तो चाइना को 1970 में देख लीजिए और अपने को देखिए, थोड़ा सा अंतर था। 1960 में हम आगे थे चाइना से, लेकिन आज के दिन में हमारी इकोनॉमी कहां पे है, तकरीबन 3.70 ट्रिलियन डॉलर और उनकी 19 ट्रिलियन डॉलर है। तो किस पे आधारित थी और किस कैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने बहुत फोकस किया था मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन पे। तो सारी 40% इकोनॉमी अगर आप देखेंगे चाइना की, वो है मैन्युफैक्चरिंग की। वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनी देख लीजिए, बड़ा बड़ा ब्रांड बनाती है, सारे की सारी चीजें वहां पे बनती है। तो उसका बहुत फर्क पड़ता है। मेजर श्याम जी जल्दी से, कई सारी बातें हैं उसमें से जिस तरीके से अब हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही अब कहा जा रहा है कि नासा के साथ मिलकर साझेदारी में अंतरिक्ष में भारत अपने एस्ट्रोनॉट भेजेगा, ये कितना बड़ा कदम हो सकता है? एरोस्पेस में जाना और एक्सप्लोरेशन, ये एक बढ़ते जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एक जरूरत है। और जब डिफेंस की बात करते हैं तो उसके साथ एरोस्पेस बिल्कुल लगातार इंटीग्रेटेड है। तो हम सैटेलाइट, हम एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन, हम जितने ज्यादा कम्युनिकेशन नेविगेशन मौसम विभाग के लिए, ये सारी चीजों की जानकारी के लिए हमें लगातार स्पेस कवर करना पड़ेगा और स्पेस की सिक्योरिटी। और जब चैलेंजेज आएंगे कल हमारी लड़ाई, जब स्पेस की लड़ाई होगी तो वहां पे हमें जरूरी होगा कि हम अपनी संरक्षण के लिए कोलेबरेशंस में रहें, कोऑपरेशंस में रहें, इंडिपेंडेंट रहें और पार्टनरशिप में रहें ताकि एक दूसरे की मदद जरूरत पड़ने पे कर सकें। चाहे वो देखिए सरफेस शिप्स का जो एक्सरसाइज हो, एयरक्राफ्ट का एक्सरसाइज हो या आर्मी के एक्सरसाइजेस हो, ज्वाइंट ऑपरेशंस हो, ये सब इसलिए होते हैं कि हमें कोलेबरेशंस जरूरी है। हमने रशिया से तेल लेना खत्म नहीं किया, हमने फ्रांस से एयरक्राफ्ट लेना बंद नहीं कर दिया, हम अमेरिका से भी ले रहे हैं। हमारी सब जगह अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। हमारा 70% वेपन्स अभी भी रशिया से आ रहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, भारत की विदेश नीति कितनी तेजी से बदल रही है, क्योंकि जिस गति से भारत अब सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हमारे विदेश नीति से हमारे फॉरेन पॉलिसी में क्या कोई चेंजेस आएंगे? हम भरोसा करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, क्योंकि हम अपने देश को अपने घर की तरह देखते हैं, हमारे आसपास के जितने भी घर हैं हमारे साथ खुश रहें और हमारे संबंध अच्छे बने रहें, क्या एक
सामने वाले देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, इससे दूसरे देशों के रिश्तों में जो खटास आएगी उसे हम कवर अप करने के लिए हमारा देश कितना तैयार है, हमारी विदेश नीति कितनी तैयार है, या फिर जिस तरीके से मैंने अभी पूछा कि हम जिस तरीके से अपनी फॉरेन पॉलिसी में लगातार चेंजेस भी देख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं सुपर पावर बनने की तरफ, ऐसे में क्या कुछ किसी बदलाव की जरूरत है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत की विदेश नीति में बेहद सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करते हैं, अभी आप देखिए तो G20 की जो हम अध्यक्षता कर रहे हैं उसमें हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही है, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर की बात कही है। लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों को जब अपनी विदेश नीति के निर्णय लेते हैं तो अपने राष्ट्रीय हितों को हमेशा सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन विश्व के हितों का भी ध्यान में रखते हैं। भारत की जो विदेश नीति है वो प्रोएक्टिव हुई है। 2014 के बाद से भारत पहले कभी लुक ईस्ट के पॉलिसी में विश्वास किया करता था, लेकिन अब भारत एक्ट ईस्ट कर रहा है और भारत अब एक्ट वेस्ट भी कर रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री इजिप्ट में है और यहाँ पर मैं एक्ट वेस्ट के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि I2U2 जैसा इनिशिएटिव, भारत अमेरिका इसराइल UAE जैसा इनिशिएटिव, उसी तरीके से इजिप्ट के साथ हम अब डिफेंस ट्रेड को बढ़ाने जा रहे हैं और पूरे मिडिल ईस्ट में भारत की जो महत्ता है उसको सभी वहाँ के राष्ट्र महसूस करते हैं। एक बहुत आम बोलचाल की भाषा में मैंने सवाल पूछा कि हम अगर सामने वाले घर को अपना जिगरी पड़ोसी बना लेते हैं तो आसपास के 4-5 जो घर होते हैं वो हमारे विरोधी पड़ोसी के घर बन जाते हैं, उससे निपटने के लिए भारत की देखिए 1-2 राष्ट्रों के साथ तो हमको शक्ति के साथ व्यवहार करना होगा। चाइना जैसा जो राष्ट्र है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने तो वो सिर झुकाता है लेकिन वो कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से नहीं चूकता। उसकी जो रणनीतिक थिंकिंग है उसमें विस्तारवाद है, उपनिवेशवाद है, अवसरवाद है, आधिपत्यवाद है, तो उसका तो मुकाबला हमें शक्ति के साथ करना होगा। आतंक परस्त पाकिस्तान का जो मुकाबला है उसको भी शक्ति के साथ करना होगा, और ये राष्ट्र ताकत की भाषा समझते हैं। लेकिन जहां तक अन्य राष्ट्रों की बात है तो मुझे लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, अन्य देश हो, सभी के साथ संतुलित तरीके से अपनी विदेश नीति को बनाए रखेगा और उसको उस संबंधों को आगे भी बढ़ाने का कार्य करेगा। हमारे पास टाइम कम है, फाइनल कमेंट्स की तरफ जाएंगे, पहले संजय राणा जी। देखिए प्रीति जी, अगर आप बात करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिसीज की और इंटरनेशनल टाई अप्स की, तो नो डाउट हमारा जो देश है, जो उनकी पॉलिसीज है, एकदम राइट डायरेक्शन में है और मोदी जी हमें लगता है कि कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं। और इस समय जो सिनारियो चल रहा है जहाँ पे हर देश कंफ्यूज्ड है, उसमें इस तरह का ग्रोथ रखना, टाई अप्स बनाना और अपने देश को आप प्रथम करके आगे बढ़ना एक सराहनीय कदम है। ठीक है, फाइनल कमेंट हम लेंगे संजीत जी से, कांग्रेस के नेता। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विदेश नीति के ऊपर बहुत ही संजीदा तरीके से हम सबको बात करनी चाहिए, नंबर एक, और उसे ही व्यवहार करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो विदेश नीति के मामलों में, खासतौर से अमेरिका के मामलों में, हमें फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका का व्यवहार खासतौर से मिस्र में, सॉरी सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर और अभी यूक्रेन के अंदर जो बिहेव है वो बताता है कि वो अपने समय के साथ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है, नंबर वन। नंबर टू, ट्रेड के मामलों में वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, खासकर रिटेल और पेप्सी कोला और अमेजोन के मामलों में अगर आप आएंगे तो हमें क्या लेकर देंगे। नंबर टू, मेरा आपसे ये कहना है कि आपने बीच में भी एक प्रश्न किया था कि भारत को अपने खासतौर से पड़ोसियों के साथ, अगर आपका घर ठीक नहीं है तो आप बाहर बहुत अच्छे नहीं हो सकते। आपने पाकिस्तान के पिछले 9 वर्षों में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध पाकिस्तान वर्मा का क्या पोजीशन क्या है आज की तारीख में? ये मैंने नहीं कहा था, मैंने कहा था किसी एक पड़ोसी मतलब के साथ हुई कंट्री से हमें संबंध रखना, म्यांमार से, बर्मा से, पाकिस्तान से, दोस्तों के साथ कहीं खटास ना हो जाए। ठीक है, मैं प्रीति जी आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज स्थिति क्या है नेपाल आपसे कहता है कि हमारे साथ एक समय बहुत कम है तरीके का। धनंजय गिरी जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। आपने मेरा कहना है कि हमको, धनंजय गिरी जी फाइनल कमेंट। देखिए, हमारे साथी पैनलिस्ट जो बात कह रहे हैं कि अमेजोन के आने से और पेप्सी के आने से, तो पूर्ववर्ती सरकारों में अमेजोन और पेप्सी आए, कोई सरकार में नहीं आए। इस सरकार में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही सरकार में, तो अपनी सरकार की कमियां खुद ही गिना रहे हैं। बोलने से पहले उन्हें सोचना चाहिए क्या बोल रहे हैं। उनको अमेरिका, पाकिस्तान से, नेपाल से, यहाँ अमेरिका किस बात आ रही है। प्रोफेसर पंत का कहना है कि लंबी अवधि के
में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर डिफेंस एक्सपर्ट मेजर श्याम सर, समय बहुत कम है, जरा माफ कीजिए, मेरी भी मजबूरी समझिए, श्याम जी फाइनल कमेंट। आज के दिन में मैं ये देखता हूँ कि डिफेंस सेक्टर में जो जरूरतें हैं, जो अल्टीमेट चैलेंजेस हैं हमारे पास, खासकर ग्रोथ में सबमरीन की जरूरत पड़ रही है। हम फ्रांस के साथ लगातार समझौता कर रहे हैं, हमें एयरक्राफ्ट बनाना है, उसके लिए हमें इंजन्स चाहिए, हम स्वावलंबी फाइटर्स बनाना चाहते हैं, हम अगले साल नहीं इम्पोर्ट करना चाहते एयरक्राफ्ट, दूसरों को देना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कदम है। और देखिए साथ में जो स्पाई ड्रोन्स हैं, इनकी भी आज बहुत जरूरत है। और इसके साथ हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक क्रेडिबल डिटरेंस चाहिए, जो एक समझौते के तहत अमेरिका हमें दे रहा है। दूसरे देशों के साथ हमारी पकड़ उतनी ही मजबूत है जितनी अमेरिका के साथ है। तो ये अपने तरह से एक समानांतर घटना है जो ग्लोबल नए विश्व बॉर्डर में एक अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, इस डिबेट में आप सब शामिल हुए और अपने बहुत ही रिसर्च के साथ आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। उम्मीद करती हूँ हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनको जरूर इस डिबेट से अच्छा कंटेंट मिला होगा। और इस 3 दिवसीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के हमने बातचीत की, कई महत्वपूर्ण बातें थी जिनमें भारत को क्या मिला, अमेरिका को क्या मिला और आगे जो भारत और अमेरिका के संबंध है कूटनीतिक तौर पर और सामरिक तौर पर, वो किस दिशा में जाएंगे, कौन सी दिशा तय करेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो, इंडिया का सवाल देखना ना भूलें और साथ ही न्यूज इंडिया 24/7।